हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे हम एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कुछ लोगों के इस रिगार्डिंग मैसेज आ रहे थे कि उन्हें जो टाइम बचा हुआ है उसमें वो कितना रिवाइज कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम से वो रिवाइज कर सकते हैं, और उस रिविजन में उन्हें RTP MTP वगैरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है क्या, और कौन से चैप्टर्स उनको पहले करने चाहिए, और कितने आवर्स उनको पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पर। ठीक है, तो आपके जो भी सारे डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में कुछ चीजें अपनी तरफ से भी बताऊंगी कि कौन सी चीजें आपको अभी से ध्यान रखकर चलनी चाहिए और कौन सी एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम जो है 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए आज देखें तो कितने डेज बचे हुए हैं। फेब में आपके 14 दिन बच रहे हैं, मार्च में आपके 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, एंड मई में 10 दिन लगाए मैंने, जबकि एग्जाम जो है 14 मई से है, तो मैंने 3 दिन आपको फ्लेक्सिबल छोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, 10 दिन ही कंसिडर करें यहाँ पर। तो टोटल मिला के आपके पास आज देखें तो 85 डेज बचते हैं। ठीक है, आप लोग सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप। आप अगर सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कैसे रिवाइज करना, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट रिविजन में आपको 9 डेज यूज करने हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या है, FR में 9 दिन यूज कर लिए, ठीक है, SFM में 9, यानी हर एक सब्जेक्ट को आपको 9 9 दिन देने हैं। ठीक है, और सेकंड रिवीजन में आपको 7 दिन देने हैं। ठीक है, तो थर्ड रिवीजन होगा आपको उसमें 5 दिन देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल डेज जो है 84 हो जाएंगे और आपके 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक बहुत कुछ नहीं किया है ना, वो चाहे तो 9 दिन के अंदर काफी कुछ कर सकते हैं फर्स्ट रिवीजन में। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को लगता है कि 9 दिन तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे कम में कर सकती हूँ, तो उस केस में आप क्या 4 रिवीजन कर सकते हैं। पहला रिवीजन आपका 7 दिन में हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर दूसरा आपका 6 में कर लोगे आप, फिर तीसरा जो है 5 दिन में करोगे, और जो फोर्थ रिवीजन होगा वो आपका 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपका 84 डेज में आप चाहे तो 3 या 4 रिवीजन कर सकते हैं। यहां मैंने 85 डेज लिखा है, लेकिन कुछ लोग अगर बाद में देख रहे हैं तो मान के चलो मैं एक दिन अभी फ्लेक्सिबल छोड़ दे रही हूं, तो 84 डेज के हिसाब से मैं टारगेट बना रही हूं आपका। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं जो लोग बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, बोथ ग्रुप मिलाकर आपका टोटल 8 सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट को आप कैसे रिवाइज करोगे, तो इस केस में हम 3 रिवीजन देखेंगे कैसे कैसे करना है। फर्स्ट रिवीजन जो होगा वो आपको 5 डेज लगाने हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट में लगाने हैं, तो आपको 8 सब्जेक्ट है टोटल, तो एक सब्जेक्ट जो हमारा इलेक्टिव बचता है, ठीक है, उसमें आप कम टाइम में भी कर सकते हो। तो इलेक्टिव के लिए आप क्या है, फर्स्ट रिवीजन के लिए सिर्फ 4 दिन रखोगे। ठीक है, मैंने ये क्यों बोला, देखो सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक लॉ ले रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। इकोनॉमिक लॉ को मैं टोटल मिलाकर 8 से 10 घंटे के अंदर करा सकती हूँ आपका। ठीक है, तो वो क्या है, आप एक दिन में पूरा थ्योरी कर लिया आपने, ठीक है, बाकी के 3 दिन बचे उसमें क्या है, केस स्टडी डाइजेस्ट लगा लिया आपने और थ्योरी को रिवाइज भी कर सकते हो, तो 3 दिन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो बोथ ग्रुप वाले तो ये चीज भी समझेंगे कि इकोनॉमिक लॉ में से 3 चैप्टर तो आपके फर्स्ट ग्रुप में ही आ जाते हैं, तो इलेक्टिव लॉ के लिए ये 4 दिन आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 39 डेज में कंप्लीट हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट जो है आपके 39 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो हमारे 4 डेज ईच रखने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट के लिए आपको 4-4 दिन पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इलेक्टिव के लिए आपको क्या है, सिर्फ 2 दिन रखने हैं। ठीक है, 2 दिन बहुत रहेंगे, एक दिन में आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको एक बार देख लेना है, और एक दिन के अंदर केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन बस देखने हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अगर थर्ड रिवीजन की, थर्ड रिवीजन में क्या है, आपके लिए 2 दिन काफी रहेंगे, क्योंकि आप क्या है, अब एग्जाम में जाने से पहले आपको सिर्फ 1.5 दिन मिलेगा, तो क्या है, थर्ड रिवीजन के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे। 2 दिन जो है हर एक 7 सब्जेक्ट के लिए देने हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट आपको 2-2 दिन पढ़ने हैं, जो भी आपका इलेक्टिव पेपर बच जाता है उसके लिए आप बस 1 दिन ही देखेंगे। ठीक, तो यहाँ टोटल मिला के आपका 15 डेज में आपका थर्ड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल अगर देखें तो हमारा ये 84 डेज में हमारे बोथ ग्रुप वालों के भी 3 रिवीजन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि RTP MTP क्वेश्चन पेपर आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको ये करने चाहिए, क्योंकि RTP MTP क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ICAI के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो थ्योरी में तो आप देखोगे काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी आप देखोगे उसी टाइप का क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं। ठीक, तो क्या RTP MTP क्वेश्चन पेपर आपको जितने हो सके आपको सॉल्व करने, आपके पास अगर टाइम है, आपको लगता है कि मैं 3 रिवीजन और कम टाइम में, 4 रिवीजन जो है और कम टाइम में कर सकती हूँ कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या है, आपको क्या RTP MTP क्वेश्चन पेपर जो है ना, न्यू स्कीम जब से आई है आप वहां से लेके क्वेश्चन देखो, क्योंकि आपको ये देखने में कितना टाइम लगेगा, काफी क्वेश्चन तो आप पहले से कर चुके होंगे, आपको तो बस ये देखने हैं। ठीक है, बात करते हैं आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये डाउट काफी लोगों का होता है कि उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, तो जो लोग डिसिप्लिन है, ठीक है, उनका पढ़ाई पर अच्छा खासा हाथ चल रहा है, मतलब वो लोग फुल कंसंट्रेशन में है, ठीक है, तो वो क्या, तो कोई भी 2-3 MTP या क्वेश्चन पेपर उठाकर खुद से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है कि काफी अटेम्प्ट लगने के बाद हमारा मन हट जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो उन लोगों को मेरी मानो तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी जेब से पैसा जाता है ना तो आप लायबल हो जाते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे वहां पैसे खर्च हुए हैं तो मैं एक दो
पेपर सॉल्व करके देखूंगा। और जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि पढ़ते सब है लेकिन पास सब नहीं होते। उसका मेन रीजन यही होता है कि लोग अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन है तो एमटीपी क्वेश्चन पेपर खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, मैं तो इवन स्टार्ट भी नहीं कर पा रही हूँ अभी स्टडी, तो उस केस में क्या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अभी टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि जिनमें क्या चैप्टर वाइज टेस्ट हो, कुछ मत करो, जो जिस भी चैप्टर का टेस्ट हो रहा है ना बस उस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि देखो अभी आप स्टार्ट तो जब भी नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या आपको कुछ धीरे धीरे करके आपकी ग्रिप आने लग जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू बी स्टडीड, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, एज मच एज यू कैन। बिकॉज देखो ये 2-3 महीने ही है, इनमें हार्डवर्क कर लिया तो आप आगे सक्सीड कर जाओगे, वरना क्या लाइफ टाइम मेहनत करनी है। लेकिन फिर भी आप अगर आवर्स में पूछना चाहो तो मैं बताऊंगी आपको मिनिमम 10 आवर्स निकालने हैं इस टाइम पर, ठीक है। आप 10-10 घंटे कम से कम निकालिए, जब आपकी ग्रिप आने लगे तो 12 घंटे कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी रिजल्ट आने की वजह से अभी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको बोलूंगी आप 4 या 5 घंटे का टारगेट रखिए, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। एकदम से आप चाहोगे कि 10 घंटे पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 3-3, 4-4 घंटे अपने हिसाब से डेली के आवर्स बढ़ाते जाओ, ठीक। अगर आपको आज 14-15 घंटे पढ़ने भी पड़ रहे हैं ना तो क्या दिक्कत है, 6 महीने फिर से पढ़ने से तो अच्छा है ना 14-15 घंटे आज आप 2-3 महीने निकाल के कर लो, ठीक। हम देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ये चीज जो है ना वो काफी लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आप पानी पीते रहेंगे ना आपको थकावट ही नहीं होगी। आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं चल, लोगों को पढ़ते टाइम पानी पीने की आदत नहीं होती, तो आप जब भी पढ़ने बैठे ना हमेशा अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें। तो एक चीज आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नहीं तो बॉडी स्ट्रेचिंग कर लीजिए बस, ठीक है। और एक क्या है आपको पानी और लिक्विड जितना हो सके आप लें। ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ ना ये आपको अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये क्या है मैं एग्जाम से पहले की चीजें बता रही हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्या है, डोंट यूज सो मच ऑफ मटेरियल, आपको मटेरियल ज्यादा नहीं इकट्ठा करना है कि एक चैप्टर इस टीचर का अच्छा है, एक इसके चार्ट्स अच्छे उसके ले लेते हो, दूसरा चैप्टर वहां से अच्छा, अरे तीसरा तो स्टडी मटेरियल से अच्छा, ऐसे नहीं करना है। बिकॉज 1.5 दिन के अंदर आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि क्या मैं 1.5 दिन के अंदर इसको पढ़ सकती हूँ। कि बहुत से लोग क्या करते हैं डेप्थ स्टडी इस टाइम तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको हल्का फुल्का भी देख सके, ठीक है। तो आपको क्या ज्यादा मटेरियल नहीं रखना है। थर्ड पॉइंट है आपको मेक या यूज चार्ट्स, नोट्स, ट्रिक्स, निमोनिक्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, जितने हो सके चार्ट्स यूज करिए, जितने हो सके नोट्स बनाइए अभी से, जितने हो सके ट्रिक्स निमोनिक्स पढ़ते टाइम बनाते रहिए, ठीक है। बिकॉज आपको क्या है अल्टीमेटली सारी पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि ये सारा सिलेबस जो है आप 1.5 दिन में रिवाइज कर सको, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इसमें क्या फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी, मतलब सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि देखो सब कुछ ना तो हम रिवाइज कर सकते हैं ना हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्वालिटी पे फोकस करना है, जो आपकी क्या प्रायोरिटी 1 चैप्टर है उनको पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है, फिर प्रायोरिटी 2 वाले को कंप्लीट करोगे, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हम लॉ के कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, थ्योरी प्रोविजंस हमको लर्न रहते हैं, लेकिन क्या है वहां पे जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना और 2 नंबर का आता है, हमारे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता उस पर दिमाग लगाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट टू योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। आप कहीं से भी किसी भी टीचर की बुक पढ़ लेना, लेकिन आपको क्या है ये चीज लास्ट में होना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल जो है क्या वो आपका पूरा कवर हो गया है, ठीक है। मेनली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी में ना आईसीआई को बिल्कुल वही लैंग्वेज चाहिए, जो हेडिंग है बिल्कुल वैसी ही चाहिए, चाहे अंदर आप बनाकर कर दो। हम देखेंगे एग्जाम से रिलेटेड कि बिफोर एग्जाम आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आपको प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन पेपर बिफोर गोइंग टू एग्जाम, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते एग्जाम में बैठ। बात करते हैं इन एग्जाम आपको क्या याद रखना है, आपको क्या सेलेक्ट करने हैं योर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो 15 मिनट मिलेंगे ना स्टार्टिंग के, ठीक है, उसमें आपको क्या है आपको बेस्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही कॉपी मिले ना फटाफट बस स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। स्टार्ट ईच क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम नेक्स्ट पेज ऑफ द आंसर बुक, ठीक है। चाहे सब पार्ट भी है ना तो भी आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। आपका क्या जाता है इसमें, आंसर बुक वहां से मिल रही है, लिखिए धुआंधड़, इसमें 13 घंटा मेरा कुछ नहीं जाता, हर एक पेज पे मैं क्वेश्चन सजा के आता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आफ्टर एग्जाम देख लेते, एग्जाम के बाद भी आपको कुछ चीज याद रखनी है। हाँ, एग्जाम के बाद आपको क्या रखना है, आपको इवेल्युएट नहीं करना है अपना पेपर घर आकर। भैया देखो ऐसे तो वो नहीं, नंबर तो वही देगी, कितने भी अपने आपको 100 में से 100 दे दो नहीं मिलने वाले, ठीक है, तो इवेल्युएट मत करो। तो गाइस अब हम देखेंगे प्रायोरिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मैं यहाँ एबीसी कैटेगरी इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ, क्या होता है आप ए और बी तो करते हो, सी कैटेगरी को आप छोड़ देते हो, इसलिए मैंने यहाँ प्रायोरिटीज वर्ड यूज करा है। प्रायोरिटीज का मतलब है आपको पहले नंबर पर ये कंप्लीट करना है, सेकंड नंबर पर ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है, थर्ड नंबर पर जो बचा बचा है वो करना है। करना आपको सब है, क्योंकि आईसीआई का माइंड नहीं पता कहां से क्या आ जाए। वैसे स्टार्ट कर लेते हैं, पेपर 1 जो है हमारा एफआर का होता है, ठीक है। एफआर में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमें कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको 115 कंप्लीट करना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इस शेयर बेस्ड पेमेंट तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें क्या है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, हर बार उसी में से ही एक क्वेश्चन उठकर आ रहा है काफी टाइम से, तो आप 102 जरूर करेंगे। और 116 लीजेस, ठीक है, लीजेस में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप चाहें तो एक बार को स्किप कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सारे आपको करने हैं, उसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ करोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको एक बार को आप स्किप कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस
आपको सारे करने हैं। इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी काफी लिमिटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। तो आपको अगर फर्स्ट प्रायोरिटीज आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप स्विच करोगे सेकंड प्रायोरिटी पर, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटीज में क्या होता है, आपको इंडिया 613 फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है, 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 16 पीपीई, फिर बोरोइंग कॉस्ट, फिर इंपेयरमेंट ऑफ असेट, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर इनकम टैक्स रिलेटेड, ये क्या है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड इंडिया 21, देन 33 पर आएंगे ईपीएस जो है हमारे, इसमें दो तरीके के होते हैं, बेसिक ईपीएस एंड द डायलूटेड ईपीएस, ठीक है, दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम देखेंगे सीएसआर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक घंटे का लास्ट, ठीक है। प्रायोरिटी सेकंड से भी कंप्लीट कर जाते हो तो आप फिर रिमेनिंग चैप्टर्स देखोगे। फोकस तो आपको खैर सारे पेपर्स पे करना है, लेकिन पेपर फर्स्ट पे आपको कमांड लानी है, क्योंकि अगर आपका पहला पेपर अच्छा जाता है तो देखना आपको अपने आप बूस्ट होते चले जाओगे नेक्स्ट पेपर्स के लिए, ठीक है। हम देखेंगे जो हमारा पेपर टू है एसएफएम, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये दोनों थोड़े बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्या है, आपके दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। मैंने ये प्रायोरिटीज वन में किस हिसाब से डाला है, इन चैप्टर्स में से क्या होता है, एक से दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। और जबकि सेकंड प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर है, म्यूचुअल फंड, आईएफएम, आईआरआरएम, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एसएफएम का सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं है, तो आपको कोई भी चैप्टर्स इसमें से छोड़ने नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स करके चलने हैं। देख लेते हैं एसएफएम की थ्योरी, जो कि आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको करनी पड़ेगी इसमें से चैप्टर्स 1, 2, 3, 6, 14, ठीक है। ये चैप्टर्स आप कर लेना, बस इनफ है, ठीक है। इनमें भी क्या है, आपको अगर क्वेश्चन में हेडिंग है तो आप उन क्वेश्चन की बस हेडिंग एडिंग कर लेना, अंदर का क्या है आपको बस पता होना चाहिए, क्या चीज आप खुद लिखना, उसको लर्न करने में मत टाइम वेस्ट करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एसएफएम। देखेंगे पेपर थर्ड ऑडिट कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रायोरिटीज वन में मैंने क्या लिखा है, कारो, कारो क्या है, कारो 2020 आ गया, तो इसके लिए मैंने सारे क्लॉजेस को लर्न करने के लिए ट्रिक डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर उसे देख लेना, आपका 17 मिनट्स के अंदर सारे क्लॉजेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें ऐसा कुछ खास बसता नहीं है, एप्लीकेबिलिटी है जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये आपको देखने पड़ेंगे। फिर हमारा कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, इसके सारे क्लॉजेस लर्न करने के लिए आपको जितना हो सके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाकर रखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इस पर, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स आपको करना जरूरी है, ये भी नहीं छोड़ सकते हो। कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स, बहुत लोग बोलते हैं इनमें से कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें से क्या है, आपको हर एक चैप्टर में से 2 से 4 नंबर का देखने को मिल जाएगा। और ये मैंने प्रायोरिटीज वन में क्यों डाला है, इसको पहली बार तो याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सारा कुछ आईपीसीसी में पड़ा हुआ है, बहुत कम ही इसमें कुछ एडिशन हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से ही बनकर आते हैं, कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट आप छोड़ोगे नहीं। कंपनी ऑडिट के लिए तो मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, लास्ट आपका 45 से 50 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हमारा पीयर रिव्यू जो कि आपको नहीं छोड़ना है, हमारा फिस्कल लॉ जो कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। फिस्कल लॉ में हमारे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमारे टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, एक हमारे जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड। टैक्स ऑडिट के सारे क्लॉजेस को लर्न करने के लिए मैंने अपने चैनल पर ट्रिक डाली हुई है, आप वहां से जाकर कर लीजिए। जीएसटी ऑडिट में मेनली 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप क्वेश्चन बैंक से देख के सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, इसमें भी 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको देख लेना है, ये आपको जरूर करना है। उसके बाद हमारा ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको पता होगा ये हमारा लॉ में भी है, जिसका नाम है सेबी लोडर के नाम से, ठीक है। तो वैसे भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यार दोनों सब्जेक्ट में कवर हो रहा है ये, और ये इसीलिए मैंने प्रायोरिटी वन में भी डाला है, ठीक है। प्रायोरिटी वन हमारी पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम देखेंगे प्रायोरिटी टू, इसमें क्या एनबीएफसी से रिलेटेड चैप्टर देखना, फिर पीएससीयू, फिर इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, क्वालिटी रिव्यू एंड द जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस देखना है आपको इसके अंदर, ये भी कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप मूव करोगे प्रायोरिटी थ्री पर, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर ये मैं आपको ये बोलूंगी ऑडिट के लिए आपको प्रायोरिटी वन एंड टू अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। फिर प्रायोरिटी थ्री में आप देखोगे कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप उन पर फोकस करोगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ठीक है। यहां से क्या है, आपको बस जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब आप कैसे सेलेक्ट करोगे, क्वेश्चन बैंक में जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है आप बस उन क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, बहुत रहेगा इसके लिए। आप देख लेंगे लॉ, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लॉ में क्या है, आपको सबसे पहले डायरेक्ट चैप्टर कंप्लीट कर लो, सबसे पहले इसको खत्म करो, क्योंकि इसमें क्या 20 नंबर का पेपर आराम से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ एमपी, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको क्या है ये जरूर करना है, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप। देखेंगे आईबीसी, जो कि हमारा पेपर 60 में भी है, तो मैं पेपर 60 के सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ, तो उसमें क्या है आपका आईबीसी भी कवर हो जाएगा, तो वहां से देख सकते हो। फॉर्मुला भी वहां से आपका कवर हो जाएगा, वो आप वहां से देख सकते हो। फकरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये भी हमारा प्रायोरिटी वन में, ये आपको जरूर करना। तो आपकी प्रायोरिटी वन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप आओगे प्रायोरिटी टू में, ठीक है। प्रायोरिटी टू में क्या क्या चैप्टर्स है आपके, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, ये दोनों चैप्टर्स तो आप एक साथ उठा के कर लोगे। फिर इसके बाद फॉरेन कंपनी और वाइंडिंग अप, फॉरेन कंपनी में से क्वेश्चन अच्छा बनता है, क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, तो इसे आप जरूर करेंगे। वाइंडिंग अप में से क्या है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में से इंपॉर्टेंट लगते हैं, बस वो कर लीजिए आप। फिर इसके बाद आता है आपका फेमा, जो कि आपका पेपर 60 में कवर हो जाएगा, मैं आपको 60 में से पढ़ा दूं। आता है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कैटेगरी टू से भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप आ जाओगे कैटेगरी थ्री में, ठीक है। इनमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी एंड सेबी एक्ट, ठीक है। इसमें से बस जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं बस वो देख लेने हैं आपको, ठीक है। कैटेगरी वन और टू आपको पूरी पूरी करनी है, कैटेगरी थ्री में क्या है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं बस वो देख लेने हैं आपको, ठीक है।
तो आपका इस तरीके से ग्रुप वन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रुप टू का हमें कैसे करना है, ठीक है। ग्रुप टू वाले स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं SEMP। तो SEMP ये बिल्कुल SFM की तरह है, इसमें भी कम चैप्टर्स है, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये चैप्टर छोड़ दो या वो मत छोड़ो, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है सारे चैप्टर्स कर सको। इसमें क्या है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी वन में डालेंगे मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, PM एंड इवैल्यूएशन, डिविजनल TP और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी वन में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको थ्योरी भी कवर हो जाएगी, वन हो जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रायोरिटी टू, इसके अंदर हमारा क्या इंट्रोडक्शन टू SEM करना है आपको। इसमें बेसिकली थ्योरी है पूरे चैप्टर में, फिर हमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस देखने हैं, फिर हमें प्राइसिंग डिसीजन करना है, बजटरी कंट्रोल करना है, बजटरी कंट्रोल भी पूरा थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। आप प्रायोरिटी टू भी कर लोगे, फिर उसके बाद आपको ये केस स्टडी डाइजेस्ट और केस स्टडी, ठीक है। ये मैं ऑप्शन में नहीं बोल रही हूँ कि ये कैटेगरी ये मैंने प्रायोरिटी थ्री में नहीं डाले हैं, ये आपको करने ही है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे चैप्टर्स की थ्योरी यहाँ से जितना हो सके अच्छे से देख लें, ठीक है। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी ना, तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट करते टाइम आप देखना बहुत ईजी लगेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। SEMP के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टडी मटेरियल आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, उसी में से काफी क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट है हमारा पेपर सिक्स, जो कि हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको क्या लेना चाहिए। इसमें तीन सिचुएशन बनती है, ठीक है। पहली वो कि जिन लोगों को जो सब्जेक्ट फेवरेट है वो सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर आप मेरा सजेशन पूछते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। वो क्यों, इंटरनेशनल टैक्सेशन से आपको ये फायदा होता है कि यहाँ आप जो पढ़ते हो ना, आपका नेक्स्ट पेपर DT का होता है, तो उसमें काफी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन लेने से ये फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये आज के टाइम पर काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देखोगे ना, अभी जो नवंबर का अटेम्प्ट गया है उसमें केस स्टडी, सी दैट केस स्टडी डाइजेस्ट से उठकर आई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अभी भी आपके ये सेम इस तरीके से उठकर आ जाएगा। इकोनॉमिक लॉ को लेने से आपको एक फायदा ये भी है, जो ये चार पेपर है ना आपके, ठीक है, जो ये चार पेपर है वो क्या है, आप लॉ में भी पढ़ चुके हैं। अभी सरफेस ही है, वो तो लॉ में से हट चुका है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपने सारे लॉ में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक लॉ को लेने के पीछे एक रीजन और है, इसके सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में जो खासियत रहेगी वो ये रहेगी कि आपको सारा कवरेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से मिलेगा, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि वो सारे नोट्स हाईलाइटेड मिलेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, रिवीजन लेक्चर्स आपको काफी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। प्रॉब्लम आती है ना वो हाईलाइटिंग करने में आती है, कि आपको क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखने में आती है, क्योंकि अगर आप प्लेन बुक एग्जाम में लेकर चले जाओगे ना, आपको वहां पर ढूंढने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मेरे नोट्स में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि सारी चीजें आपको हाईलाइट्स मिल जाएंगी। सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, आप वहां से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, मैंने अपने चैनल पर रेरा, कॉम्पिटिशन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी और फॉर्मुला, ये चार लेक्चर्स तो मैं अभी तक डाल भी चुकी हूँ। पीछे कुछ तीन लेक्चर्स है वो भी मैं लास्ट फेब एंड तक आपको डाल दूंगी, ठीक है। आप मेरे से पूछे इकोनॉमिक लॉ को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे सारे लेक्चर्स आपको 8 to 10 hours में कवर कर हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 7 chapters हैं जो कि मैं आपके 8 to 10 hours में पूरे कवर करा दूंगी। ऑलमोस्ट 1 hour ईच का मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे देखा जाए तो 7 घंटे में हो सकता है, लेकिन किसी लेक्चर में अगर मेरे को ज्यादा टाइम देकर आपको समझाना पड़ा तो मैं आपको लास्ट टू लास्ट 8 to 10 hours में पूरा करा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक लॉ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती है अगर आप मेरे थ्रू करते हैं तो, ठीक है। पेपर 7 जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स, ये भी बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, हाँ थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बहुत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी प्रायोरिटीज वन में क्या आता है। सबसे पहले आएगा हमारा PGBP, फॉर्म और LLP भी इसी के साथ करेंगे, ठीक है। ये दो चैप्टर्स आपने कर लिए, फिर उसके स्टार्ट करोगे ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनता है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, इसमें लास्ट टू लास्ट 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बाद में हमारा SEZ 10AA, ठीक है, इसमें क्या 2 क्वेश्चन है वो देख लेना। मैट AMT आप एक साथ देखोगे, ठीक है, इसमें से भी मैट और AMT का जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, कभी मैट का आता है कभी AMT का आता है। फिर इसके बाद हमारे TDS एंड TCS, इसमें हम आपको सेक्शन नंबर लर्न करने हैं, फिर आपको एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट देखना है, जिसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन है, तो ये आप आराम से कर लोगे। फिर हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, NRI आपको करना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, DTAA जरूर करोगे, इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये भी देखना। इक्वलाइजेशन लेवी बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे आराम से कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड प्रायोरिटी में आ जाओगे, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी में आपकी क्या क्या है, GAR आपको देखना है, रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसेस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बनते हैं, ये देखना है। अपने लिए रिवीजन भी देखोगे, R भी देखोगे, पेनल्टीज, अमलगमेशन और डिमर्जर, बायबैक, ठीक है, ये हमारे सेकंड प्रायोरिटी में देखना है, जिसमें से ये चार चैप्टर जो है वो तो काफी छोटे छोटे से, तो इन्हें जल्दी भी कवर कर लोगे। सेकंड प्रायोरिटी में से कंप्लीट होने के बाद आप आ जाओगे थर्ड प्रायोरिटी में, जिसमें क्या है आपका रिमेनिंग पोर्शन आ जाता है। DT में तो आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी आप अच्छे से कर लो तो आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप थर्ड प्रायोरिटी भी करिए, ठीक है। हम देखेंगे पेपर 8 जो है हमारा IDT का है। IDT में फर्स्ट प्रायोरिटीज में क्या क्या चीजें आती है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ये आपको जरूर करना है, इसमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर हम RCM और कंपोजिशन स्कीम, इन दोनों को तो एक साथ उठा के कर लोगे, ज्यादा बड़े भी नहीं, आराम से हो जाएगा। फिर हम वैल्यू सप्लाई जरूर करेंगे, फिर ITC, इसमें से ये सारे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ ना, इनमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। वैल्यू सप्लाई में से भी आता है, ITC में से भी, एग्जेम्पशन, IGST है, रिटर्न, रिफंड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स है, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी करने का ये फायदा होता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 से 50 नंबर का आपका पेपर आपके हाथ में है, ठीक है। फिर सेकंड प्रायोरिटी पर आप जाओगे, सेकंड प्रायोरिटी में हमारा पहला चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, जिसमें आपने देखा है ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, तो वो आप आराम से कर लोगे, कंसेप्ट बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स देखना है, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर जॉब वर्क। जॉब वर्क में तो आप देखोगे ना, एक पेज के अंदर एक चार्ट बना के आराम से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिमांड एंड रिकवरी देखना, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन, ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना, इनके लिए तो बस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन देख लेना काफी रहेगा, ठीक है। तो
सेकंड प्रायोरिटी भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो मान के चलो आईडीटी का आप काफी पोर्शन कर चुके हो, ठीक है। फिर ये दो प्रायोरिटी होने के बाद ही आपको थर्ड प्रायोरिटी में आना है। थर्ड प्रायोरिटी में टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट रिकॉर्ड एंड इवेबल असेसमेंट एंड ऑडिट, एडवांस रूलिंग, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन बैंक में से जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बस वो थर्ड प्रायोरिटी में तो वो देख लेना, वो काफी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी का पोर्शन मैंने आपको बता दिया। हम देखेंगे कस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम कस्टम को छोड़ सकते हैं, एफटीपी को छोड़ सकते हैं, तो मेरा जवाब ना है, ठीक है, ये नहीं छोड़ना है। ये टोटल मिला के आपके 15 से 20 मार्क्स का इसमें से पेपर आ जाता है। 15 नंबर का कस्टम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 नंबर का एफटीपी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में देख लेते हैं क्या क्या चीज आती है। सीटीए, कस्टम टैरिफ एक्ट की टाइप्स ऑफ ड्यूटीज देख लेनी है, रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह देख लेना। फिर हमारा वैल्यूएशन, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये जरूर देख लेना है। ड्रॉबैक और बैगेज में से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बस वो देख लीजिए, ठीक है। कस्टम का फर्स्ट प्रायोरिटी कर लीजिए, बस काफी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सेकंड प्रायोरिटी में जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है वो देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आते हैं एफटीपी पर। एफटीपी में से 5 नंबर का सिंपल क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। एफटीपी में आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लेना और एक्सपोर्ट स्कीम देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बताती है कि प्रायोरिटी के हिसाब से करने से आपको फायदा क्या होता है। देखो मान के चलो आपके पास फर्स्ट रिवीजन के लिए आपके पास 9 डेज है, आप प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये 9 डेज कब खत्म होगा, आपका अभी भी पता चल रहा है, आपका काफी बच रहा है। जैसे मान के चलो आपने आईडीटी उठाया, आईडीटी काफी ब्रॉड है, आप 9 डेज का क्या है पूरा बाइफर्केशन कर लोगे कि फर्स्ट डे मुझे क्या करना है, सेकंड डे मुझे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, तो आप 9 डेज को इस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं कि मैम हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम कैसे करें, आरटीपी एमटीपी जो है उन्हें हम कैसे करें, ठीक है। आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया ऊपर करने जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन पेपर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन सेम रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो आप आरटीपी एमटीपी कर लो, वो भी काफी रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उनको लिए तो कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया वो अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो उनको क्या करना है। देखो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो हमारी लाइफ होती है ना वो बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह होती है, जिसमें क्या होता है अगर हम ऊपर गए हैं तो हमारे चांसेस भी होते हैं नीचे गिरने के। लेकिन आपने ये देखा होगा जब हमारा शेयर काफी गिर जाता है ना तो उसके ऊपर उठने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो भी लोग इस टाइम गिर रहे हैं यानी फेल हो गए हैं तो वो ये ना सोचे कि हम यही रहेंगे, हम नहीं आगे कर पाएंगे। आपका ये आपका यही वाला फेस है, आपको यहाँ से ऊपर उठकर दिखाना है। साथ साथ मैं आपको बोलूंगी आप हमेशा अपना वाइज स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप यहाँ पर क्यों हैं। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ तक क्यों आए, ऑब्वियस तक आप क्विट करने के लिए या तो फेल होने के लिए तो नहीं आए, आप यहाँ से आगे जाने के लिए आए ना, तो आपको वही करना है। आपको अपने आप से बोलना है कि ऐसे अगर इस बार 2 लोग भी पास करेंगे ना तो उसमें से एक मैं होंगी या फिर मैं हूंगा, ठीक है। चाहे रिजल्ट कितना भी हार्ड आ जाए मेरा इस बार रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर लूंगी ना, मैं इतना मेहनत करूंगा कि ICI को मुझे पास करना ही पड़ेगा, ठीक। चीज याद रखो आप सारी पढ़ाई पहले कर चुके हैं तो आपको टाइम नहीं लगना है। एक दिन लगाकर आप पूरा ये देखो कि आपने गलती क्या की है, क्या आपने क्वेश्चन पेपर नहीं लगा के देखे थे, क्या आपने ICI का मैट बिल्कुल नहीं देखा था, फॉलो ही नहीं किया था, कि क्या ICI चाहता है, आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं दिया, जो भी रीजन है वो एक दिन लगाकर पहले फाइंड आउट करो। आपको मेनली इस बार रिवीजन के साथ साथ इस चीज पर भी फोकस करना है। तो अपने आपको ये चीज बार बार बोला कि ICI 2 भी पास करेगी तो उसमें से मैं एक होंगी, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि ICI मुझे जरूर पास करेगा इस बार, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपके काफी डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व हुए होंगे, मैंने काफी चीजें कवर करने की कोशिश के साथ अपने पेपर सॉल्व करते जाइए, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।